हेलो दोस्त, आप सबको अशोक जेंट्स पार्लर में स्वागत है। भैया देखिए, हमारे पास हेयर कटिंग करवा है, काफी दूर से आते हैं। क्या भैया, कहाँ से आते हैं? हम तो धनरुआ से आते हैं। जब पटना आते हैं, जब बनवा के जाते हैं आपसे, क्योंकि आपको पसंद लगता है, हमको अच्छा लगता है, क्वालिटी लगता है। देखिए भैया का जो है ना काम मेरा पसंद होता है, इसलिए हमारे पास आते हैं जी। आप सबको भी बोल रहे हैं, अगर पटना में आप जब आए तो मेरे अशोक जेंट्स पार्लर में सियाना मोड़ पर आए और हमसे एक बार सेवा लें, काम आपको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मिलेगा जी। भैया मैं जब पटना आता हूँ, जब बनवाता हूँ इनके से। अब ये देखिए भैया को जो है ना बाल को हम क्लिप से, ये जो हेयर क्लिप है इसमें लगा देने से क्या हुआ कि जो हमको जितना बाल कटिंग करना है सिर्फ वही नीचे रहेगा, तो ऐसे क्या होता है कि बार बार ये लटक जाएगा। और हेयर क्लिप लगाने से बाल हेयर कटिंग करने में आराम होता है। अब देखिए हम सर को, भैया को जीरो साइज में यहाँ से करेंगे। ये साइज, ये जो है हम इतना भाग को जीरो साइज में कर दिए। ये हम लोग जो करते हैं ना, इसमें अगर ये कैप लगा देंगे तो जीरो नहीं होगा। देखिए ये साइज जीरो हो गया। अब इसमें हम ये इसको हम और डाउन करेंगे, थोड़ा जीरो से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये यहाँ से फिर इसी तरह से ऐसे हम जैसे देख रहे हैं, अब जैसे हम निशान मार रहे हैं, ये अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये हो गया। अब फिर हम यहाँ से ऐसे इसको ये, जब भी हम हेयर कटिंग करेंगे तो इसको हम इसी एक पोजीशन से लेंगे, जब ऐसे 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 उठाना है। वैसे उठाने से क्या होता है कि बाल जो है ना ये मिलते जाता है, अच्छे से मिल जाता है। देखिए दाग नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम एक साइड में होते जा रहा है नीचे। ये एक नंबर जीरो हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया हाफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और साइज है, ये देखिए 3 mm है, यानी कि 1 साइज। अब इसमें हम ये लगा देंगे कैप। अब हम इसको यहाँ से करेंगे, थोड़ा बिल्कुल इसमें एकदम हाफ लेंगे। ये हाफ हाफ पूरे जैसे जैसे अभी हम काटे थे इसी तरह से इसमें भी हाफ लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल मिलते जाएगा इसमें। ये हाफ साइज, ये 1 का हाफ हो गया। अभी ये देखिए 6 mm यानी कि 2 नंबर। ये देखिए 2 नंबर अब हम लगा दिए इसमें। अब सेम इसी तरह से इस साइड का भी कटेगा, अब इधर साइड का सेम कटेगा जैसे हमने अभी इधर का काटा। ये पूरा ये फाइनल हो गया बैक साइड का। और अब ये साइड को
लिए, जैसे अभी हमने उस साइड का कटिंग किए थे उसी तरह का अब हम इस साइड से कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास। अब इसमें हम वन साइज लगाएंगे, ये अब वन साइज से कटिंग हो गया। अब इसमें हम दो नंबर साइज लगाएंगे जो अभी हम पहले बताए थे, ये दो नंबर साइज का ये है, देख रहे हैं दो नंबर साइज ये है। और पाछे भी इसी तरह से बैक साइड में पूरा बैक साइड हो गया। अभी ये भैया का जो काम है मशीन का काम फिनिशिंग हो गया है। अब कैंची क्या करेंगे कि जहाँ तहाँ कोई बाल अगर मिस जो है ना छूटा होगा उसको अब हम इससे कैंची द्वारा फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि मशीन हम कितनों चला लेंगे बिना कैंची को फिनिशिंग नहीं आएगा। कैंची क्या है कि पूरे तरह से अच्छा से फिनिशिंग देता है। अब ये एका दूका जो बाल जो जहां तहां छोड़ जाता है मशीन में कोई बाई मिस्टेक तो इससे फिनिशिंग पूरा हो जाता है। अब ये देखिए कैंची का काम ये साइड का हो गया। अब जो है ये पानी जो हमारे में ये फुहरा जो है इसका बेनिफिट ये है कि बाल जब ऊपर का हम कटिंग करेंगे तो ये उड़ता है और डायरेक्ट जो है ना सीधा आँख में पड़ने का डर होता है, तो इसके वजह से पानी मारा जाता है और बाल भी सॉफ्ट हो जाता है, कटिंग करने में हम लोग को सुविधा हो जाता है ना। अब ये बाल पूरा हेयर कटिंग हो गया है। अब शैम्पू पाउडर लगा देते हैं। इसको हम ऐसे बाल पाउडर से क्या होता है कि बाल जो है ना जो सटा होता है स्किन में वो साफ हो जाता है। अब ये साफ हो गया। ये देखिए अब भैया को आगे से लुक दे रहे हैं। ये क्या है कि ये जो है ना थोड़ा बाल इनका यहाँ कम है, उड़ गया है जो कम दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे कि अच्छे तरीक़ा से बढ़िया से यहाँ यहाँ या भी का आकार दे देंगे ताकि जो लुक ना बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि ऐसे भी वहाँ बाल का कमी है। और इसको हम यहाँ पर ब्लेड से ऐसे लुक इधर और इस साइड दोनों देंगे। ये देखिए कैसा लग रहा है। अब ये अब दूसरे साइड का भी आकार फर्स्ट क्लास। अब ये देखिए भाई के बाल को जो है ना हम सेट कर रहे हैं। ये बाल को खड़ा रखेंगे बाल इनका बहुत छोटा है और ये खड़ा करना चाहते हैं जो इनका बाल जो है ना खड़ा नहीं होता है। ये अब इससे क्या होगा कि बाल इनका खड़ा हो जाएगा। अब हम
तरीके से हवा मार देंगे, जो भी बाल होगा राउंड कंघी है ना, ये बहुत अच्छा है। ये बाल को जैसे आप करिएगा वैसे ही घुमा देता है। अब इनका पूरी तरह से देखिए बाल एकदम रेडी है। साइड आप देख सकते हैं बहुत फर्स्ट क्लास का इनका लुक बना है। ये बैक साइड का है, ये जो लुक है इनके ऊपर बहुत शानदार लग रहा है। ये दूसरे साइड का है, बैक देख रहे ना कितना बेहतरीन निकला है। ये इनका लंबा चौड़ा बॉडी है और इनका देखिए इनको शौक है आर्मी में जाना।